भरि द कलमे पानि जे होरन्ता महारानि भरि द कलुवमे पानि जे होरन्ता महार गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू यूपी ब्लॉग में दोस्तों दोस्तों सबसे पहली बात रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा पूरी बात बताऊँगी क्योंकि मैं तुरंता माता का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ लेकिन यह वीडियो शेयर करने का रीज़न कुछ और है हमारी सासू माँ ने क्या सपना देखा क्यों मैंने इतनी जल्दी किया और क्यों मैं दोपहर के तीन बजे में यह पूजा करवाई तो पूरी बात जानने के लिए प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और मैं अपने पूरी यूट्यूब फैमिली का दिल से दिल से धन्यवाद करती हूँ तो आइए शुरू करते हैं बातें तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है तुरंता माता की पूजा की तैयारी की हुई है और ये देखिए हमारा मंदिर है तो थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड कर लिया है और देखा आपने जो दो डिब्बे में मिठाई है वह मिठाई हमने तीन चार दिन पहले बना लिया था देखिए वीडियो यह लगभग पाँच सात दिन बाद जा रही है क्योंकि मेरी तबीयत जितनी ज़्यादा ख़राब थी मैं वही सब बातें आप लोगों से शेयर कर रही थी बाकी का कुछ नहीं तो ये वीडियो उस दिन के है तबीयत ख़राब होने के तीसरे चौथे दिन मैंने मिठाई बना के रख लिया था और यहाँ पर आप लोग देखते जाएंगे मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं लेकिन जो बात ज़रूरी है वो मैं आपसे बताऊँगी वो ये देखिए मैंने चाय का पानी रखा हुआ है और यहाँ पर बच्चे लोग फूल आए थे वो सब कुछ रखा हुआ है चाय का पानी पानी साथ अपने लिए रखा है फिर उसी में मतलब चाय बना देंगे चाय वाले हाथे में कुछ इधर उधर था तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और जो है हम प्रसाद इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि हमारा जब फर्स्ट पेमेंट आया था उसके लिए एक और हमारी गैया ने बच्चा दिया था तो यही दोनों का मतलब चौदह सुहागिन को हमें तुरंत माता का प्रसाद खिलाना था और मैं ठीक भी थी मैंने तैयारी भी कर लिया था मीठा जो है मतलब तब उतना ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं थी दवा खाया मीठा बना के रख दिया तीन दिन हो गया था उस दिन हमारी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं बगैर नहाए ऐसे उठी और डायरेक्ट अकेले गिरते पड़ते चौराहे पे गई बिटिया रानी को बोल के और वहाँ से थोड़ी दवा लेके आई फिर ऐसे लेट गई कुछ खा पी के तो बज रहे थे जो है दिन के ढाई बज रहे थे तीन और अम्मा हमारी लेटी हुई थी फिर आई और बोली कि बच्चों से बोली तुम्हारी मम्मी कहाँ है कहाँ है तो उनको जैसे घबराहट एकदम बेचैनी हो गई और बहुत परेशान थी तो मैं यही लेटी थी तो आई अम्मा बोली कि ऐसा है प्रसाद को रखो मत आज ही खिलाओ खैर तुरंत माता में ये होता है दिन ना लखो और ना ही कोई समय होता है आपकी जब भी इच्छा पूरी हो जाए तो आप उनका प्रसाद खिला सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपके घर में ज़रूरी चीज़ें हैं खाने लायक साफ सुरक्षित कुछ भी आप खिला सकते हो सूजी का हलवा से लेकर मिठाई लाई चबैना जो कुछ भी है तो खिला सकते हो आप तुरंत माता में तो अम्मा ने देखा सपना और सपने में हमारी अम्मा ने क्या देखा था एक मतलब देखिए सपना एक अलग चीज़ होती है हकीकत अलग होता है लेकिन अम्मा को इतनी बेचैनी हुई तो उन्होंने सपने में देखा कोई आके सब औरतें घर में बैठी हुई हैं और बोल रही हैं कि प्रसाद खिला दो तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी नहीं तो ऐसे ही परेशान रहेंगी तो बस वही घबराहट के मारे अम्मा आई बोली तो हमने कहा चलो भाई हिम्मत करते हैं कोशिश करेंगे बच्चों को भी लाग लपाट के कर देंगे तो फिर मैं उठी ढाई बज रहा था आंगन धोया बच्चे इधर उधर का काम जो था सब लाइन पहन की फूल गया बाबू लेके आया थोड़ा सा जो है हमारी ये ठानी लाइफ में हमें कुछ बताना नहीं है जो ज़रूरी बात है वो मैं कर रही हूँ मैंने विधि भी शेयर किया है वीडियो भी शेयर किया है और गीत कहानी भी बताया है तो देखिए यहाँ पर जो है अम्मा हमारी बैठी हुई हैं पूजा करने के लिए सब गोती नायी हुई हैं और कितना सुंदर लगता है वैसे भी देखिए नए लोग होते हैं नई बात होती है तो यहाँ पर जो गीत और किसा हुआ वो मैं नहीं सुना रही हूँ आप लोगों को उसको मैं अलग अलग तरीके से आप चाहेंगे तो सुना सकती हूँ हाँ तो फिर अम्मा एकदम बेचैन मतलब हो गई थी अब क्या बताएँ वो सीन अगर मैं रिकॉर्ड करती तो अलग ही फील होता आप लोगों को तो फिर अम्मा जाके बैठ गई थोड़ी देर बोली कि अब इंतजाम सब करो मैं खिलाऊंगी तो हमने कहा अम्मा हिम्मत नहीं कहें नहीं तुम मत कुछ करो लेकिन मैं खिला दूंगी प्रसाद क्योंकि सपना मैंने ऐसा देखा मैं बहुत परेशान हूँ तो पता नहीं क्या हो गया तुमको भी दवा लिया ये किया वो किया सब टाइफाइड सब ठीक हो गया था फिर पता नहीं कैसे क्या हो गया है तो फिर बच्चे ने पूरी बच्चों ने दोनों बच्चों ने मिलकर तैयारी किया अम्मा जाके अगल बगल वालों पड़ोस में जो नज़दीक हैं उनको बोल के आई कि मतलब तुरंत माता का प्रसाद खाना है तो जो लोग साफ सुरक्षित हैं अपना या तो कपड़ा चेंज करके चले आते हैं या नहा के भी आपकी मर्ज़ी है जो है ये है कि जो रियल बात है वो मैं आपको बताती हूँ बाहर भी अगर अगर आप गए हो तो नहाना ज़रूरी हो जाता है बिल्कुल ज़रूरी होता है अगर आप ऐसे हो तो हाथ पैर धोकर भी आ सकते हो तो फिर सब लोग आए हमने आंगन में पोछा लगाया उठे हिम्मत करके माता रानी सच में उस टाइम एक घंटे पता नहीं क्या सकती थी शरीर में नहाया मैंने लगभग ढाई तीन पे जब उठे पहले नहा ही लिया आंगन पोछ के उसके बाद पूरी तैयारी कर दिया हमने मीठा बना के दो दिन पहले से रखा हुआ था तो सात लोगों में क्या होता है ना कि सवा पा मतलब पाँच पौवा यानी एक किलो ढाई सौ ग्राम शक्कर और दूध जो भी आपके घर हो तीन लीटर चार लीटर और जब चौदह लोग हैं तो ढाई किलो चीनी और दूध लगभग मैंने दो तीन दिन का इकट्ठा किया था तीन चार लीटर दूध का खोवा था लेकिन दूध जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छी मिठाई बनती है ये बात नहीं है तो यहाँ पर जितने लोग बैठी हुई हैं पूजा में सब लोग हमसे बड़े हैं हमारी सास सभी लगती हैं कोई जेठानी है और अम्मा है आप लोग अम्मा को पहचान ही रहे हो तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ तुरंत माता की पूजा हुई मैं माँ से यही कामना करती हूँ कि हमारा दुख और सबका दुख काट दें देखिए तो यहाँ पर मैं बनाई हूँ चाय विटू लाइट जलाना भूल जाती है मोबाइल का तो हमारे यहाँ जब गोदी पूजा हो जाती है तो चाय पिलाते हैं तो पहाड़ी खिलाते हैं और कुछ भी आप व्यवस्था कर सकते हो नाश्ता पानी का जो कुछ भी हो तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी भाई बहनों को यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना तो चलिए देखिए मैं चाय मतलब इसमें से किसी को है जाना फटाक दे तो अम्मा ने बोला उनको पहले दे दीजिए तो यही चाय मैं पहले उनको लेके जाके दूंगी उन लोगों को नहीं यहाँ पर दिखाना है कौन तो क्या कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर मैंने डल्लू में दूध वाले डल्लू में चाय को छान लिया है अब तत्काल में यार जब तबीयत नहीं ठीक है तो पूरी सेटिंग नहीं कर पाते हैं और मेरा मानना है कि झूठ इधर उधर दिखाना मुझे नहीं जो है सो दिखाइए सेटिंग बाद में कर लेना तो अभी मैं देखिए यहाँ पर ट्रे भी नहीं लिया है मैंने सबके लिए चाय निकाल रही हूँ चौदह लोग हैं सबको चाय देंगे चाय पिलाएंगे एक दो लोग जिनको जाना है वो चले भी जाते हैं उसके बाद चाय देने के बाद मैं जो है सबका पैर रखूँगी और सब लोग सुपाड़ी खाएंगे जिनको खाना होता है सब नहीं खाते हैं अम्मा ने वहाँ पर वो जो फाइवर की कितनी उसको रख दिया पर हमने यूज नहीं किया तो हमारी अम्मा की इच्छा पूरी हो गई यानी उन्होंने सपना देखा और पूजा तत्काल हुई नहीं तो एक या दो दिन लेट ही करते जब हमें आराम हो जाए तब हम करें तो चलिए काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुर करे लोगों का कर। कहते हैं ना काम तत्काल में अगर हो जाता है तो भी बेस्ट रहता है ऐसा नहीं है और अभी छठ माता का वीडियो आएगा दो चार दिन में प्लीज़ आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे साथ आपकी जो भी इच्छा हो आप रिक्वेस्ट करके हमें बोल सकते हैं जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह तुरंता माता का वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा पसंद आ जाए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना तो ब्लॉग को यहीं पर मैं करती हूँ मिलती हूँ आप अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय